आज हम लोग चर्चा करेंगे ट्राई स्क्वायर क्वांटिटी बुनियाद के बारे में। यह किस प्रकार का टूल है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है विकी में, यह किस प्रकार का टूल है? ट्राई स्क्वायर किस प्रकार का टूल है? तो चेकिंग या मार्किंग टूल है इसका। उसके बाद पूछा जाता है व्यक्ति में कि किस तरह इसका कार्य क्या है, क्या करता है, इसे क्या करते हैं ट्राई स्क्वायर। इससे सबसे पहले 90 डिग्री के कोण में चेक करते हैं किसी जॉब को, तथा किसी भी जॉब की फ्लैटनेस यानी समतलता को चेक करते हैं। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि ट्राई स्क्वायर का कार्य क्या है, ट्राई स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, तो जॉब की समतलता यानी फ्लैटनेस, जॉब की समतलता को चेक करते हैं। इसके बनावट में दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है स्टोक, सॉरी हेड पहला होता है हेड, दूसरा होता है ब्लेड, हेड को स्टोक भी कहते हैं। इनके बनावट में दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो होता है ब्लेड, दूसरा होता है स्टोक। इनकी ब्लेड जो है ना हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है और उसको बनाने के बाद हार्ड वर्क टेम्पर कर दिया जाता है। किससे बना होता है इसका ब्लेड जो है हाई कार्बन स्टील से बना होता है और उसके बाद उसको हार्ड वर्क टेम्पर कर दिया जाता है। इसका स्टोक जो है ग्लास टाइप का, स्टील का, एल्यूमिनियम का बना होता है। यह साइज में 10 mm से 100 mm से लेके 3 cm तक पाया जाता है, 10 cm से लेके 30 cm तक पाया जाता है। ये देखिए इसका फिगर रहा, ये रहा इसका ब्लेड, ये रहा स्टोक, इन दोनों के बीच का कोण जो है 90 डिग्री रहता है। यह जो है ना दो प्रकार के होता है, पहला होता है फिक्स ट्राई स्क्वायर, दूसरा होता है एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। ये देखिए इसका हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो ये ब्लेड हुआ, ये स्टोक हुआ, इन दोनों के बीच का कोण जो है 90 डिग्री रहता है। ब्लेड जो है हाई कार्बन स्टील का बनाया गया रहता है और उसको हार्ड वर्क टेम्पर कर दिया जाता है। स्टोक जो है एल्यूमिनियम का रहता है, या तो कास्ट आयरन का बना रहेगा या तो स्टील का बना रहेगा। चलिए अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो हम कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक देखिए, क्वेश्चन नंबर वन, स्टील रूल किस प्रकार का होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी फीटर के एग्जाम में कई बार पूछा गया कि स्टील रूल किस प्रकार का औजार है। ऑप्शन में दो चार दिया रहेगा, इसमें से एक रहेगा इनडायरेक्ट मेजरिंग, डायरेक्ट मेजरिंग, मार्किंग टूल, नॉन ऑफ दी, इस तरह से दो चार ऑप्शन आपको दिया रहेगा, चार ऑप्शन मिनिमम दिया रहेगा। तो स्टील रूल के बारे में पढ़े, पिछला क्लास आप लोग देख लिया तब ये ऑटोमेटिक आपसे बनेगा सारा, जो भी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सारा क्लास आप वीडियो देख के उसके बाद इसको सोल्व कीजिएगा। पहला है इनडायरेक्ट मेजरिंग ए, दूसरा बी डायरेक्ट मेजरिंग, सी मार्किंग टूल, डी नन, इसमें से कोई एक होगा। क्या होगा स्टील रूल किस प्रकार का औजार है? तो प्रत्यक्ष मापी औजार है, यानी डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको क्या कहते हैं प्रत्यक्ष मापी, है ना, ये होता है अप्रत्यक्ष मापी। प्रत्यक्ष मापी है, यानी प्रत्यक्ष मापी का मतलब क्या होता है, स्टील रूल को डायरेक्ट हम इसमें रीडिंग देख सकते हैं कि इसमें कितना हुआ, किसी भी जॉब को मापेंगे स्टील रूल के वजह से, तो प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रीडिंग दिखेगा उसमें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, यानी आउटसाइड कैलिपर से क्या मापा जाता है, यानी आउटसाइड कैलिपर नहीं बाहिन कैलिपर किसको कहते हैं? पहला ऑप्शन है ए इंटरनल डायमीटर, बी है एंगल, सी है एक्सटर्नल डायमीटर, डी है नन। आप लोग बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं हमको कि कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ए या बी या सी या डी, क्या होगा बताइए क्या होगा? एक्सटर्नल डायमीटर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, यानी आउटसाइड कैलिपर से क्या मापते हैं हम? बाहिन व्यास, बाहरी व्यास को मापते हैं किसी भी गोलीय जॉब के, है ना, क्या मापते हैं उसके बाहरी व्यास मापते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर मापते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन के तहत चलते हैं, अप्रत्यक्ष मापी यानी इनडायरेक्ट मेजरिंग औजार है, चार ऑप्शन दिया है, इसमें से पूछा है कि इनडायरेक्ट मेजरिंग औजार इसमें से कौन सा है। पहला है ए स्टील रूल, बी है माइक्रोमीटर, सी है ऑफसेट कैलिपर, डी है वर्नियर कैलिपर। इसमें से आपको चुनना है कि इसमें से प्रत्यक्ष यानी सॉरी अप्रत्यक्ष मापी यानी इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन है इसमें से, आपको पिछले क्लास में बता दिए थे स्टील रूल, माइक्रोमीटर, ऑफसेट कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, इसमें से सब जो अप्रत्यक्ष मापी है, इनडायरेक्ट मेजरिंग क्या होगा इसका आउटसाइड कैलिपर, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आंसर। चौथा है जेनिक कैलिपर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर फोर में जेनिक कैलिपर कहते हैं, ऑप्शन ए है ओडले कैलिपर, बी है हर्मोप्रोडाइट कैलिपर, सी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, डी है नॉन ऑफ बी, क्या होगा इसका ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, क्या होगा ओडले कैलिपर, हर्मोप्रोडाइट कैलिपर, सी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, डी है नॉन, क्या होना चाहिए ए एंड बी दोनों, यानी जेनी कैलिपर का दोनों अन्य नाम है क्या क्या है, ओड लेग कैलिपर और हर्मोप्रोडाइट कैलिपर। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कर रहा है, स्टील रूल बना होता है किस पदार्थ का बना होता है, किस मेटल का बना होता है वो पूछा जा रहा है। कई बार आ गया क्वेश्चन में जब में स्टील रूल किस चीज का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए देखिए स्टेनलेस स्टील, बी देखिए कास्ट आयरन, सी देखिए ब्रास, डी देखिए एल्यूमिनियम, क्या होगा स्टेनलेस स्टील,
प्लास्ट है ब्रास एल्यूमिनियम, बताइए क्या होगा आप लोग, क्या होगा? स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एफपीएस सिस्टम में लंबाई को मापते हैं, यानी फुट पॉन सेकंड सिस्टम, यानी फुट पॉन सेकंड पद्धति में लंबाई को किस चीज में मापते हैं हम लोग? यहाँ ऑप्शन दिया आपको, ए में सेंटीमीटर, बी में मीटर, सी में किलोग्राम, डी में फुट। देखिए क्या होगा आप लोग सोचिए थोड़ा सा, फिर हम जवाब देंगे। ए में सेंटीमीटर, बी में मीटर, सी में किलोग्राम, डी में फुट, क्या होगा बताइए हमको, क्या होगा? फुट पॉन सेकंड में सिस्टम में लंबाई को मापते हैं किस चीज में? तो मीटर में। क्वेश्चन नंबर 7 अगला ये, क्वेश्चन नंबर 7, इन एसआई सिस्टम विद्युत धारा का मात्रक होता है, यानी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए में है कॉलम, बी में एम्पियर, सी में है वोल्ट, डी में है जूल। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा या सी होगा डी होगा, क्या होगा? ए है कॉलम, बी होगा एम्पियर, सी है डी वोल्ट, डी है जूल, क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट करके, क्या होगा? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एमकेएस सिस्टम में द्रव्यमान को किस चीज में मापते हैं? इन एमकेएस सिस्टम द्रव्यमान को मापते हैं किस चीज में? ऑप्शन देखिए, ए में है किलोग्राम, बी में है ग्राम, सी में है पौंड, डी में है नन, क्या होगा एमकेएस सिस्टम में द्रव्यमान को? एमकेएस सिस्टम में यानी मास, सॉरी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इसमें क्या होगा द्रव्यमान का? किलोग्राम। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं, एसआई सिस्टम में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? ऐसा है सिस्टम में मूल मात्रक पर है आप लोगों, कितना है संख्या कितनी है? ए में ऑप्शन 9, बी में है 8, सी में है 6 और डी में है 7, क्या होगा ऐसा है सिस्टम में मूल मात्रकों की संख्या क्या होगा? ए या बी या सी डी? 9, 8, 6, 7, क्या होगा? 7। ऐसा है सिस्टम में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सीजीएस सिस्टम में यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में समय को किसी में मापते हैं हम लोग? क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सीजीएस सिस्टम में समय को किसी में मापते हैं? ए में है सेंटीमीटर, बी में है ग्राम, सी में है सेकंड, डी में है पौंड, क्या होगा आप लोग बताइएगा, क्या होगा? सी, सेकंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एफपीएस सिस्टम को कहते हैं, क्या कहते हैं और दूसरा उसका नाम बताया थे क्लास में आपको, एफपीएस सिस्टम को क्या कहते हैं? ए में है मैट्रिक सिस्टम, बी में है ब्रिटिश सिस्टम, सी में है एसआई सिस्टम, डी में है नन, क्या होगा आप लोग बताइएगा, क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी डी। ए में है मैट्रिक सिस्टम, बी में है ब्रिटिश सिस्टम और सी में है एसआई सिस्टम, डी में है नन, क्या होता है इसका? इसका होगा ब्रिटिश सिस्टम, यानी ब्रिटेन में इसका इस पद्धति का प्रचलन है, इसलिए इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। अगला है एमकेएस सिस्टम को क्या कहते हैं? ए में ऑप्शन है एमकेएस सिस्टम, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम को क्या कहते हैं? ए में ऑप्शन है मैट्रिक सिस्टम, बी में है ब्रिटिश सिस्टम, सी में ए एंड बी दोनों और डी में है नन, क्या कर? ए में ऑप्शन है आपको मैट्रिक सिस्टम, बी में है ब्रिटिश सिस्टम, सी में ए एंड बी दोनों, डी है नन, क्या होगा आप लोग बता सकते हैं? जिन बच्चों को अगर दिक्कत हो रहा है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में, वो पिछले का क्लास, मेरा जो भी क्लास पिछले हुआ है वो सारा देखिए, उसमें आपको सारा का सारा आंसर मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव, पिछले सब्जेक्ट क्लास में देखिए, उसमें आपको देखने के बाद ये सारा का सारा आपको बन जाना चाहिए। क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, क्या होगा? एमके सिस्टम को क्या कहते हैं? मैट्रिक सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं? मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कैलिपर्स, कैलिपर्स का साइज किससे लिया जाता है? लेग की लंबाई से, उसके पैर की लंबाई से, या लेग के चौड़ाई से, या पीवेट के सेंटर से लेग के गेजिंग पॉइंट तक, डी है ना, क्या होगा? ए बी सी डी, अब बता सकते हैं क्या होगा? लेग के लंबाई से, लेग के चौड़ाई से, पीवेट के सेंटर से, लेग के गेजिंग पॉइंट तक, डी है ना, कहां से कहां तक होगा बताया थे पिछले क्लास में आपको, क्या होगा? सी, पीवेट के सेंटर से, एक रिवेट रहता है जिसको हम पीवेट भी कहते हैं या रिवेट कहते हैं, उसके सेंटर से लेके और जिसका लेग होता है उसके पॉइंट तक, यानी गेजिंग पॉइंट तक उसके लंबाई को साइज को दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, एक इंच यानी 1 इंच इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? ए में 2 सेंटीमीटर, बी में 2.54 सेंटीमीटर, सी में 3 सेंटीमीटर, डी में 5 सेंटीमीटर, आप लोग बताइए क्या होगा, क्या होगा? 2.54 सेंटीमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, स्टील रूल का लीस्ट काउंट होता है, पिछले क्लास में बताना छूट गए थे इसलिए दो क्वेश्चन ये दोनों ऑब्जेक्टिव में डाल दिए, कई बार पूछा गया एग्जाम में है ना, स्टील रूल का लिस्ट काउंट, यानी स्टील रूल से मिनिमम कितने तक की लंबाई को माप सकते हैं? तो ए में ऑप्शन है 0.5 mm, बी में 1 mm, सी में 0.05 mm, डी में 5 mm, स्टील रूल से मिनिमम छोटा से छोटा मीट किसको हम माप सकते हैं,
किस उसको कहते हैं लिस्ट काउंट, कितना होता है 0.5 mm, यानी कि आधा mm, आधा mm तक की लंबाई को हम स्टीलो से माप सकते हैं। इसके बाद अगला क्लास रहेगा आपको मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स, मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। आप लोग जब भी क्लास ऑब्जेक्टिव से पहले सब्जेक्टिव का क्लास रेगुलर देखा कीजिए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या कवर करेंगे, मार्किंग एंड मार्किंग टूल, ये सारा होगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं होगा आपको।